नमस्कार। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती के साथ वर्ग तीन के पदों में पद वृद्धि होगी या नहीं होगी, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया जो वर्ग तीन सेकेंड काउंसलिंग के साथ प्रारंभ होनी थी, अब वह अलग से होनी है। क्योंकि जब वर्ग दो सेकंड काउंसलिंग में यह भर्ती आई थी, तब उस समय नियम का हवाला दिया गया था कि दोनों की योग्यता अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे कुछ समय बाद सुचारू रूप से संचालित करेंगे। किंतु इतना करने के बाद जैसे ही वर्ग दो सेकंड काउंसलिंग पूर्ण हुई, विभाग ने इसकी खोज खबर अता पता कुछ नहीं रखा। फिर अभ्यर्थियों को माननीय हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अब यह भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी। तो क्या प्रयोगशाला शिक्षा की भर्ती के साथ पदवृद्धि की जाएगी? तो जी हाँ, आप हम पर विश्वास रखें। जहाँ तक हमें जानकारी है कि वर्ग तीन की जो प्रयोगशाला शिक्षा की पद की भर्ती होगी, उसमें भले ही कितने भी पदों की पदवृद्धि हो, लेकिन पदवृद्धि देखने मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है विकलांग पद खाली हुए हैं, अतिथि शिक्षक विकलांग फर्जीवाड़ा पद खाली हुए हैं, अतिथि शिक्षक फर्जीवाड़ा पद खाली हुए हैं। वर्ग एक सेकंड काउंसलिंग के लगभग 525 पद जो जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी, वह पद भी खाली हुए हैं। तो इस कारण से भले ही कितने पदों पर भर्ती पद वृद्धि के साथ देखने मिले, लेकिन मिलेगी। किंतु इतना याद रखिए, आप लोग को प्रयास करना होगा, क्योंकि माँ भी अपने स्वयं के बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। इसलिए आपको अपने अपने अधिकार के लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको आपकी जो पद हैं वर्ग तीन से फर्स्ट काउंसलिंग के, दिव्यांग फर्जीवाड़ा के, अतिथि शिक्षक फर्जीवाड़ा के प्राप्त होंगे। नमस्कार।